मैं दो चार बातें और ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ, बताओ भाई साहब। कि ये 2019 के अंदर भर्ती आई थी, 2020 के अंदर रीओपन हुई है, तब भी हमने मन मारा था कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, मोर तैयारी करेंगे। ठीक है जी। 2019 निकल गई, 2020 निकल गई, इस भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ। 2021 के अंदर अगस्त के अंदर 7 और 8 अगस्त को जाकर किसका पेपर होता है और वो पेपर अगले ही दिन लीक हो जाता है, तो बताइए हम क्या करें। हमने तब भी अपने आप मन को समझाया कि शायद दोबारा फिर पेपर होगा, 2 महीने बाद दोबारा फिर पेपर होता है, हम फिर से तैयारी करके फिर जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, 500 600 700 800 रुपए फीस देते हैं। हमारे पेरेंट्स दिन में दिहाड़ी मजदूरी करके 300 रुपए जिसको दिहाड़ी मिलती है और 600 रुपए अपने बच्चे की महीने की फीस भरता है, तो हमने दोबारा से फिर पेपर क्लियर किया। उसके बाद हमारी फिजिकल आई तो हमें यह लगा कि हाँ भर्ती प्रोसेस पे है, फिजिकल हमने क्लियर की। उसके बाद 5-6 महीने और लग गए, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब हमने प्रोटेस्ट करना पड़ा। प्रोटेस्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है, हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, प्री ज्वाइनिंग तक सरकार हमारी करवा देती है, तब हमें लगा था कि हाँ अब हमारी भर्ती पूरी हो जाएगी, अब फाइनली हमें जो मिल जाएगी। गलती क्या है, यही गलती है कि इन्होंने अपनी मेहनत की है, अपने दम पे ये लगे हैं, यही इनकी गलती है, शायद आप लोगों की यही गलती है कि भी आप लोगों ने मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारा बस ये कसूर मान लीजिए कि सारे के सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, अगर मतलब पैसे देकर के लगे होते, किसी मंत्री एमएलए का बेटा यहाँ पे होता तो ये भर्ती कब की क्लियर हो चुकी होती। और जब 6 महीने के अंदर रिजल्ट आता है इसका, उसके बाद कोर्ट के अंदर फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर के स्टे हो जाती है। चेयरमैन साहब खुद ये कहते हैं कि अगर फॉर्मूले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होता तो वहां भी इसको चैलेंज करेंगे, वहां से प्रूव करके लेकर जाएंगे। अगर फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, 100% फॉर्मूला सही है, तो सरकार इस बात को कोर्ट को जाके क्यों नहीं बताती। इसका सीधा सीधा एक मकसद है, ये बच्चे इन्होंने हम लोग जितने भी है अपनी मेहनत से नौकरी हमने ली है, लेकिन आज हम राजनीति के चक्के में पीस रहे हैं, जितने भी नेता बैठे हैं उनकी चक्के में पीस रहे हैं। सरकार क्या चाहती है कि हमारी मेहनत का फल वो 2024 के इलेक्शन में लेना चाहते हैं, सीधी सीधी बात यह है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हमारे बहुत से भाई यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं और बैठेंगे, और मैं आज सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार के पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, अगर सरकार हमारी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है तो सरकार 6600 अर्थियों की तैयारी कर ले। देख देख।